बाहर के लोग आकर के गुंडागर्दी इस परिसर में करें, इस प्रकार की अगर कोई पान का दुकान है, कोई बूंदा सोचा पान की दुकान है, जहां पे शहर के बहुत सारे असामाजिक तत्व आके जमते हैं, इस प्रकार के लोग इस एरिया में उपद्रव न करें। इसके लिए अगर आपके तरफ से लोग अगर एक आगे भूमिका लें और इस प्रकार के एक्टिविटी को नियंत्रण करें तो इसमें हमें सहकार्य मिलेगा, क्योंकि मोमिनपुरा की जनता, इस परिसर की जनता हमेशा शांत रही है, लेकिन कभी कभी बाहर के कुछ असामाजिक तत्व जो आके यहाँ पे कुछ उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, उसको हम और आप मिलकर जरूर नियंत्रण करेंगे। हम इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के उप राजधानी नागपुर में मौजूद हैं और आपके सामने जो मनाजिर आपको दिख रहे हैं, ये मोमिनपुरा मोहम्मद अली रोड है। ये नागपुर का सबसे बड़ा ईद बाज़ार है और इसे विदर्भ का सबसे बड़ा ईद बाज़ार माना जाता है। सिर्फ विदर्भ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसके अलावा कुर्ब जवार के लोग बड़े भरोसे और अरमानों के साथ यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। ये जो आप नशोनुमा ये भीड़, ये जो इंतजाम देख रहे हैं, ये मोमिनपुरा मित्र परिवार की जानिब से रोज़ा इफ्तार की तकरीब रखी गई है। इस तकरीब में शहर नागपुर के मशहूर व मारूफ बड़े मुअज्जज जिम्मेदारान, मसाजिद के जिम्मेदारान और तमाम बड़ी कम्युनिटी के जिम्मेदारान को यहाँ मेहमानाने खुसूसी के तौर पर बुलाया गया है, मदऊ किया गया है। मेहमानाने खुसूसी की लिस्ट में, फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो नागपुर शहर पुलिस महकुमा के अमीर कारवां हमारे पुलिस कमिश्नर साहब अमितेश कुमार साहब यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। ये नाम अमितेश कुमार सर का नाम वो नाम है कि जिसे सुनते ही बड़े बड़े दिग्गज पेशावर गुंडे मवालियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। और इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान जो हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट नागपुर के चेयरमैन हैं, प्यारे खान साहब, जिसे दुनिया ऑक्सीजन मैन के नाम से जानती है। वक्त करीब हो चुका है, मेहमान आले किराम भी तशरीफ ला चुके हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى अफ्तार के प्रोग्राम में हमारी दावत पर पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ मोमिनपुरा में आए, हम सभी मोमिनपुरा वासियों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये कार्यक्रम करने का मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से मोमिनपुरा को लेकर जो बातें चल रही थी, कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर मोमिनपुरा की फिजा को खराब करने की कोशिश की थी, तो मोमिनपुरा का नाम पूरे नागपुर शहर के अंदर बदनाम हुआ था और मोमिनपुरा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है। पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ से पूरे नागपुर के बल्कि पूरे मध्य भारत की जनता से यह आह्वान करेंगे कि मोमिनपुरा कितना सुरक्षित, कितना सेफ और सभी लोगों के लिए खरीदारी करने के लिए पुरसुकून माहौल में यहाँ खरीदारी की जा सकती है। आज का प्रोग्राम मुनक्किद करने का मकसद यही था। मैं एक बार फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सभी हजरात का और यहाँ पर तशरीफ लाए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के मोमिनपुरे के कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस बारे में आपको सीपी साहब से बात करनी चाहिए। तो मैंने सीपी साहब से बात किया कि सर जो आपने
के ताज बाग में जो किया है, जो हम लोग पिछले 40 साल से जो दंश झेल रहे थे, जो दर्द झेल रहे थे क्रिमिनलों का, उसका जो आपने सफाया किया है, वही चीज आप आकर एक बार मोमिनपुरी में भी करिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो गांजा चरस एमडी के नाम पे पूरे शहर का, पूरे मुसलमानों का नाम खराब करते, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और आपके डर से वो सब के सब बाहर हैं, लेकिन कुछ चुट पुट घटनाएं होती रहती। आज सीपी साहब का डर ऐसा है कि मैं बता दूं आपको कि हर क्रिमिनल आने जाने वाले को सलाम करता है, राम राम करता है। आज ये हमारे शहर की हालत हो गई है, नहीं तो ऐसे हालात थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो काम आपने ताजबाग में किया, जो काम आपने पूरे नागपुर में किया, मैं चाहता आपकी नजर इस एरिया में भी पड़े। यहाँ के लोग जो है बहुत अमन और शांति पसंद करने वाले लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ के भी एक क्रिमिनलों को आप एक ऐसा मैसेज दे कि जो आपने ताजबाग में दिया पूरे नागपुर में दिया। जय हिंद। मेरा भी रहना गुरुबा चौक पे और इस एरिया से मेरे बचपन के संबंध है। और एक बता दूं, नागपुर शहर जैसा माहौल आज पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, जो सिर्फ नागपुर शहर में है। क्योंकि मैं आज के तारीख में एमएलए करके पूरे महाराष्ट्र में दिल्ली विल्ली सब जाते रहता हूं, और जो मैं यहाँ अकेला घूमता हूँ टू व्हीलर लेके यहाँ पे अकेला जाता हूँ सर, ऐसा जो हम हमारे आमदार या मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहां के विधायक लोगों से मेरी बात होती है, तो विधायक को बताता हूँ कि मैं मोहनपुरा में अकेला जाता हूँ, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोला भैया जाता हूँ आप आके देख लो, और आप लोगों को भी पता है इससे ये मोहनपुरा क्षेत्र को सिर्फ बदनाम किया बाहर के कुछ लोगों को, यहाँ पे आके जो अपना जो काम करते हैं उससे मोहनपुरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको लोगों को विनती है, और एक विनती यहाँ पे की है कि जो ईद का मेला लगता है रात को दुकानें चालू रहती है, वो उसमें आप थोड़ी राहत दे तो दुकानदारों को भी एक व्यापार करने के लिए अच्छा होगा, और इसमें आप राहत जरूर देंगे, ये विनती करता हूँ। मैं आपको सबसे पहले अपने तरफ से और शहर पुलिस दल की तरफ से आपको इस पवित्र रमजान महीने की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने हमने देखा है कि अलग अलग बगल के राज्य, बगल के शहर में कुछ प्रकार की जातिवादी तनाव हुई, शहर में अलग अलग प्रकार की कभी कभी कुछ तनाव का वातावरण जरूर होता है, कामती में कुछ हुआ बीच में, लेकिन मोमिनपुरा जो एक केंद्र बिंदु है नागपुर शहर का, जो एक मुख्य भाग है नागपुर शहर का, जिसको सबसे संवेदनशील माना जाता था, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि मोमिनपुरा इलाके में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पिछले दिनों में कभी नहीं हुई है, इसका पूरा श्रेय इस परिसर की जनता को जाता है। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि इस एरिया में कायदा सुव्यवस्था बाधित रखना, गुनेगारी पे नियंत्रण रखना, गुनेगारों को कायदा का वचक सिखाना, इसके लिए हम पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं, पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं, और हम आम जनता के साथ मिलकर इस परिसर को और भी ज्यादा सुखरूप और भी ज्यादा शांति यहाँ पे स्थापित कर पाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। बाहर के लोग आकर के गुंडागर्दी इस परिसर में करें, इस प्रकार की अगर कोई पान का दुकान है, कोई बूंदा दो चार पान की दुकान है, जहाँ पे शहर के बहुत सारे असामाजिक तत्व आके जमते हैं, इस प्रकार के लोग इस एरिया में उपद्रव न करें। इसके लिए अगर आपके तरफ से लोग अगर एक आगे भूमिका ले और इस प्रकार के एक्टिविटी को नियंत्रण करें, तो इसमें हमें सहकार्य मिलेगा, क्योंकि मोमिनपुरा की जनता, इस परिसर की जनता हमेशा शांत रही है, लेकिन कभी कभी बाहर के कुछ असामाजिक तत्व जो आके यहाँ पे कुछ उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, उसको हम और आप मिलकर जरूर नियंत्रण करेंगे। यहाँ पे जो जो गलत गतिविधियाँ जो चल रही थी, तो उसके माध्यम से कुछ मोमिनपुरा के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सीपी साहब से बात की और सीपी साहब ने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप चलिए, यहाँ का जो माहौल ख़राब है इसको सही करते हैं।
और यहाँ की जो आम जनता है, जो आवाम और दुकानदारों के लिए कुछ खास पैगाम? दुकानदारों के लिए मैंने सीपी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि ये बेचारे साल में एक बार बिजनेस करते हैं और इसी पैसे पे इनका पूरे साल गुजारा चलता है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझसे मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि जो अच्छे दुकानदार होंगे उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और उनको बिजनेस करने में पुलिस का और प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। नहीं, ये रमज़ान महीने में श्री प्यारे खान जी ने उनको और आमदार साहब को यहाँ पे लोगों के साथ संवाद के लिए बुलाया था। कुछ लोगों की कुछ विषय थे, कुछ बाज़ार के टाइमिंग के बारे में कुछ विषय था, कुछ अवैध गतिविधियों के बारे में कुछ विषय था। सभी पे हमने सुना है और उन सभी के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो समय में लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए था, इस पवित्र महीने में ज़रूर लोग उत्साह के साथ खरीदी कर सकें, उसके लिए समय में भी रिलैक्सेशन का विचार किया जाएगा और हम उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लोगों की इस परिसर जो बहुत बार संवेदनशील माना जाता था पहले, आज यहाँ की जनता काफ़ी पुलिस और प्रशासन के साथ सहकार्य करती है और एरिया बहुत शांत हो गया है। फिर भी छोटी मोटी कुछ जो विषय हैं उसका हम निराकरण कर रहे हैं। सर, यहाँ की जो लोकल यहाँ की जो जनता और दुकानदार है उनके लिए क्या आदेश है आपकी तरफ से? नहीं, आदेश कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ हमेशा उनका अच्छा संबंध, अच्छा समन्वय है। हम दोनों मिलके, पुलिस और यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ की जनता है, मिलके जो भी उनके समस्याएं हैं, जो भी विषय है, उसका निराकरण किया जाए। थैंक यू। तो जैसा कि नाज़रीन अभी आपने देखा कि मोमिनपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, यहाँ कमिश्नर साहब, प्यारे खान साहब, सब ने अपना अपना मशवरा दिया और उनसे जो मांग की गई थी मोमिनपुरा इलाके में जो होने वाले अपराध और उनसे बचने का हल, तो उन्होंने तफसीली गुफ्तगू करके और लोगों को ये यकीन दिलाया कि आगे जो है मोमिनपुरा में इसी तरह से अमन अमान कायम रहेगा। जैद अंसारी, BNA 24 उर्दू न्यूज़ चैनल, नागपुर, महाराष्ट्र।